फोर्थ आई न्यूज, नजर हर खबर पर। शिकायत मिला था उसमें अभी भी तक क्या कार्रवाई हुआ, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आज पहली बार जवाब दे रहे हैं, उनको बधाई करके। जी बधाई दीजिए। अब 15 साल तक माननीय मंत्री जी आप पूछ के जैसा उत्तर को उम्मीद करते थे, कम से कम वैसा उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा था कि जांजगीर चांपा जिले अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किनके किनके द्वारा वर्तमान में दुकान संचालित है, तो परिशिष्ट आ में आप देखेंगे कि 682 दुकानदार हैं जिनके द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। उसमें अगर नाम चाहेंगे तो नाम पढ़ के बताऊंगा, 687 नाम में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप परिशिष्ट आ देखें जिनके द्वारा दुकानों का संचालन किया जा रहा है। मैं अध्यक्ष मोदी जी, बस मंत्री से मैं चाहता हूँ कि महिला समूह जो चला रही हैं, तो ये गरीब आदमी और ये पेट के सवाल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे महिला समूह, ऐसे जो समूह है जो गलत तरीका चला रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं सदन से माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जांच करा करके दूसरा महिला समूह ला उकर आमंत्रण दिया जाए, वाला काम करे के मौका दिया जाए, क्योंकि महिला समूह ला काम करे लिए सबल करे के, अब कोई ज्यादा सफल हो गए हैं तो दूसरा भी मौका दिया जाएगा। मंत्री जी, एक व्यवस्था आप करूँ का। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है, और पहली बार छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप कि सभी दुकानों में निष्पक्ष ढंग से उसका वितरण हो, संचालन हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है, और जहाँ जहाँ शिकायत आई है वहाँ पर उसका जांच कराया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 7 शिकायतों की जांच उपरांत उचित मूल्य की दुकान के मिथ्या पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया और अनुभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में विचाराधीन है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कितने दिन तक विचाराधीन रहेगा और इसका निराकरण कब होगा, कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिकायत कुछ कुल प्राप्त हुई थी, 18 शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसमें से जांच जब किया गया तो 11 शिकायतें निराधार पाई गई और 7 शिकायतें सही पाई गई, जिसके विरुद्ध अनुभागीय अधिकारी के कार्यालय में प्रकरण चल रहा है और इनके खिलाफ जल्द कार्रवाई पूर्ण कर लिया जाएगा। इनके जगह में जहां शिकायत मिला है, इनके जगह में दूसरा कोई ऐसे महिला समूह उनको आवंटित करने के लिए, उनको जो सोसाइटी देने के लिए सदन से मैं निवेदन करूंगा, आप जो है इसका जो है यहाँ से घोषणा करने की कृपा करेंगे। केवल आपके यहाँ की बात नहीं है, जहां जहां भी शिकायत मिल रही है उन सभी जगह जांच होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगा और किसी को भी इस प्रदेश में अफरा तफरी करने का इजाजत नहीं है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी से DMF फंड जिला खनिज न्यास मत से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में इस मद में विकास कार्य हेतु कितनी राशि अभी उपलब्ध है? बस नहीं, मैं फिर पूछा था, अभी तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो दोनों प्रश्न पूछे हैं उसमें कितनी राशि अभी बचा हुआ है, ये इसका उल्लेख ही नहीं अध्यक्ष महोदय। पहली बात तो ये है अध्यक्ष महोदय, आपने जो पूछा है वो 646 कार्य प्रारंभ हुए, कितने प्रारंभ हुए और कितने अप्रारंभ हैं, इस प्रकार से प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और अब कितना पैसा है वो तो 30% राशि जो रॉयल्टी का है उससे अधिक आना ही है, वो हर साल जुड़ना है, अब अभी कितना है मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताया कि इस मद में 646 कार्य स्वीकृत हैं, जो परिशिष्ट में बताया है, कुल 130 विकास कार्य अप्रारंभ है, 52 कार्य के निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है,
माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और अनेक कार्य ऐसे जिनके वर्क ऑर्डर हो गए, तो उन कामों को भी, वो काम भी अभी तक अप्रारंभ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो स्वीकृत कार्य हैं, जिनकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, निविदा हो गई है, जिनके वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, तो क्या वो काम कब तक प्रारंभ हो जाएंगे, कृपया ये बता दें। और आधे से ज्यादा तो आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 130 कार्य अप्रारंभ है उसकी पूरी मैं ब्रेकअप देना चाहूंगा। निविदा प्रक्रिया अपूर्ण, मांग प्रतिवेदन अप्राप्त, इसकी संख्या 51, राशि मांग प्रतिवेदन अप्राप्त, इसी संख्या 7, स्वीकृत आदेश में दर्शित कार्य की आवश्यकता के आधार पर कार्य प्रारंभ एवं आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होने के कारण, इसकी संख्या 7, और कार्य स्वीकृति पश्चात पुनः भौतिक परीक्षण के आधार पर आवश्यकता नहीं होने के कारण 1, आचार संहिता एवं निर्माण कार्य में रोक, राज्य शासन के आदेश क्रमांक 21/2019 केवल 7, अन्य मत से स्वीकृत, मतलब ऐसे भी कार्य हैं जो दूसरे मत से स्वीकृत हो गए थे, उसकी संख्या 2, भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण 1, अतिरिक्त उपयोगिता के संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त, उसकी संख्या 1। योगी जी, माननीय अध्यक्ष जी, शासन ने अभी डीएमए फंड के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, ठीक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नई गाइडलाइन के हिसाब से इसको जो काम पैसा जिले में पड़ा हुआ है विकास कार्य के लिए, और नई गाइडलाइन शासन ने जो आदेश जारी किया है, सारे कलेक्टरों को निर्देश जाए, वहां प्रभारी मंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, तत्काल उनकी बैठकें हो जाए जनप्रतिनिधियों के साथ में, और जो भी राशि उपलब्ध है जिलों में उसके निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ हो गए, ये आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी सारे जिले में जारी करने का निवेदन मैं करता हूँ। निवेदन स्वीकार। अध्यक्ष महोदय जी, योगी जी, मैं सभी के सवाल देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि डीएमएफ में इनके शासन काल में हम लोग मांग करते रहे कि डीएमएफ में विधायकों को भी सदस्य रखा जाए, लेकिन आपने नहीं रखा, 2015 से चालू है, और अभी जो परिवर्तन किया गया, पहले कलेक्टर हुआ करते थे डीएमएफ के न्यास के अध्यक्ष, अभी प्रभारी मंत्री को रखा गया है, और दूसरा सारे जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनको रखा गया है, तीसरा केवल 2 सरपंच को इसमें रखते थे अध्यक्ष महोदय, इसमें तो अब ग्राम प्रत्येक गांव के 10 जो सदस्य हैं वो भी इसमें रहेंगे, उनकी अनुशंसाएं मानी जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय, और दूसरा जो आपने कहा उसमें नियम में जो परिवर्तन हम लोगों ने किया है, वो जो वहां प्रभावित लोग हैं, पिछले तो ये था शिक्षा के नाम से स्वीकृत होता था, स्वास्थ्य के नाम से स्वीकृत होता था, केवल बिल्डिंग बनाने का काम हो रहा था, पहली बार ये हो रहा है कि 50% राशि है जो प्रभावित लोग हैं उसके जीवन में परिवर्तन आए, उनको लाभ, सीधा लाभ मिले, इस दिशा में ये नियम बनाया गया अध्यक्ष महोदय। इसमें जो नियम बन चुका है इसको हम सर्कुलेट कर देते हैं, और इस तत्काल बाद विधानसभा सत्र आज समाप्त हो जाएगा, इसके तत्काल बाद हमारे प्रभारी मंत्री बैठक लेंगे और जो राशि है उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे नए गाइडलाइन के हिसाब से। योगी जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो परिवर्तन किया गया कि कलेक्टर के स्थान पर प्रभारी मंत्री को रखा गया है, ये एक प्रशंसनीय कदम है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन स्थानों में खदान खोदी जाती है, नुकसान तो उन्हीं का होता है, आपने केवल 50% राशि उस क्षेत्र में
खर्च करने का नियम बनाया है। मेरे ख्याल से और उदार होना चाहिए और इसे बढ़ाकर आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीमा तय करनी है तो लोकसभा क्षेत्र की सीमा तय कर दीजिए। जहाँ खनिज है उस लोकसभा क्षेत्र के बाहर इस पैसे का, खनिज मद का उपयोग ना हो, बेलाडीला में खुदे और रायपुर में प्रयोग हो, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ के दक्षिण बस्तर के रहने वाले आदिवासियों के साथ अन्याय है। आपने 50% किया है, इसको 100% कर दीजिए। अगर एरिया बढ़ाना है तो या तो जिला कर दीजिए या लोकसभा कर दीजिए, पर पूरे प्रदेश में मत रखिए इसको। बेलाडीला का पैसा रायपुर में लगता है तो हमारे दिल में बहुत टीस पहुंचती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये न्यास में जो प्राप्त जो राशि है, जो प्रत्यक्ष प्रभावित लोग हैं वहां 50% करना है, उसके बगल के जिले में वो पहले भी वो गाइडलाइन है कि बगल के जिले में उसकी कुछ कम राशि, फिर उसके रायपुर जो एयर स्ट्रिप अब नहीं बनेगा, योगी जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कलेक्ट्रेट में लिफ्ट नहीं बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये खनिज जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उन्हीं के जीवन स्तर उठाने में खर्च होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इस पैसे की राशि, पहली बात तो यह है कि जो हितग्राही हैं उन्हें उनको चिन्हित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, निवासियों की आवश्यकता के अनुरूप 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये सोशल ऑडिट भी किया जाएगा, इससे न्यास निधि से संपादित कार्यों के सतत जीविकोपार्जन, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु नया सेक्टर शामिल किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो पुराने थे, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, इसके अलावा ये 3 जो कार्य, सतत जीविकोपार्जन, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण एवं युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए सेक्टर, 4 और हम सेक्टर इसमें शामिल किए हैं अध्यक्ष महोदय, जिससे वहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, ये राज्य सरकार ने फैसला लिया। चंद्राकर जी, क्या नहीं किया गया एक बहस का विषय हो सकता है। अपन तो अपने अपने सरकार के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन मैं नारायण चंदेल जी के प्रश्न में ही पूरक प्रश्न करना चाहता हूं। जो 68 नंबर है परिशिष्ट में, उसी तरह के 9 प्रकरण है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें रायपुर के पत्र क्रमांक 2/1/19 के द्वारा स्वीकृत कार्य राशि जारी, स्वीकृत कार्य की राशि जारी पर प्रतिबंध, तो स्वीकृत राशि पर प्रतिबंध लगाया गया है। आपने जो परिशिष्ट में जानकारी दी है, 68 नंबर है, 93 नंबर है, 94 नंबर है, 75 है, 76 है, 77 है, 82 है, 83 है, तो चुनाव भी हो चुका है, सब चीजें हो चुकी, चुनाव को एक कारण बताया और प्रतिबंध को दूसरा कारण बताया है, तो उन स्वीकृत कार्यों पर प्रतिबंध किन कारणों से लगाया गया, क्या वो प्रतिबंध हटाएंगे और उस कार्य को फिर से संपादित करने के लिए कार्य आदेश जारी करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि बार बार सदन में माननीय सदस्य चिंता व्यक्त करते थे कि राज्य सरकार ने नए सरकार चुनने के बाद निर्माण कार्य में रोक लगा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 130 कार्य जो अप्रारंभ है उसमें से केवल 7 कार्य है, 130 में से केवल 7, और वो कार्य केवल राज्य सरकार के उस निर्णय के कारण से कि अब जो स्वीकृत नहीं है, जो काम शुरू नहीं हुए उसे रोका जाए। 123 कार्य जो है वो दूसरे कारणों से, कहीं मांग नहीं है तो कहीं जमीन नहीं है, तो कहीं निविदा प्रक्रिया अपूर्ण है, तो कहीं मांग प्रतिवेदन अप्राप्त है, इन सारे कारणों से रोका गया है। अब जो 7 काम और जो बच्चे, वो 7 काम के आप चिंता कर रहे हैं, 9 है, अब देख लें केवल 7 कार्य है, वो
उसके बारे में कह रहे हैं, तो नई अब कमेटी बन गई है उसमें आप खुद फैसला कर लें। माननीय सदस्य चंदेल जी उसमें सदस्य हैं, वहां पहले तो विधायकों को रखते नहीं थे, अब तो आप बैठ के खुद ही फैसला कर लेंगे, यहाँ कहने का आवश्यकता ही नहीं, आप शुरू कर सकते हैं। पर वो राज्य सरकार से लगाया प्रतिबंध है, उसको वहां कैसे हटाएंगे वो लोग? वो हट चुका है प्रतिबंध, नहीं यही पूछ रहा था। तो जो प्रतिबंध यदि आपने हटा दिया है तो वही कार्य उससे संपादित होंगे। सवाल इस बात का है, चूंकि अब नई व्यवस्था लागू हो गई है तो नई व्यवस्था के अनुसार से आप पुनः उसको उस कार्य को सूचित कर लें। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के पैसे से स्विमिंग पूल तो नहीं बनेंगे ना? पुरुषोत्तम कंवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि कोरबा जिला जो सबसे ज्यादा आमदनी जिला खनिज न्यास मद से होती है, वहाँ तीन वर्षों में 2016, 17, 18 और 19 तक व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और एक सहायक आयुक्त निलंबित भी किया गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कार्यों की जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूँकि ये चांपा जहांगीर जिले से ही प्रश्न था, माननीय सदस्य ने कोरबा के बारे में प्रश्न पूछा है, स्पेसिफिक कोई शिकायत है तो दे दे, उसे जांच करा। सौरभ सिंह, एक अधिकारी सहायक आयुक्त निलंबित किया गया है इस भ्रष्टाचार योजना की जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि प्रभावित लोगों का चिन्हांकन किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रभावित लोगों का चिन्हांकन किस मापदंड पर किया जाएगा? जहांगीर जिला बहुत बड़ा जिला है, 9 विकास खंड है उसमें, तो कौन से जिले में किस ढंग से किस विकास खंड के किन लोगों को प्रभावित की परिभाषा में लिया जाएगा? जो प्रत्यक्ष प्रभावित है अध्यक्ष महोदय, जिस गांव में, जिस ब्लॉक में, जिस जिले में ये खदान है और उससे जो प्रभावित है, अलग अलग खदान के अलग अलग प्रभाव क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, गिट्टी का अलग होगा, डोलोमाइट का अलग होगा, आपके लोहा का अलग होगा, कोयला का अलग होगा, बॉक्साइट का अलग होगा, तो अलग अलग प्रभाव है, उसके हिसाब से उसे जो प्रत्यक्ष प्रभावित हैं उन हितग्राहियों को चिन्हित किया जाएगा। जिला जांजगीर चांपा से ये उद्भूत प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए माननीय आप लोग दुर्ग रायपुर नहीं चलेगा बोल रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्ग रायपुर नहीं चलेगा? मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश से संबंधित मामला है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश से संबंधित, आप धन्यवाद देंगे तो मैं परिशिष्ट में काम दिए हैं, बताए हैं जो अप्रारंभ है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जो स्वीकृति हो गए हैं लेकिन अप्रारंभ है, जिसको परिशिष्ट में नहीं दिया गया है। उदाहरण स्वरूप मैं एक काम बताता हूँ, जयजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 67 लाख रुपए की विस्तार की है और प्रथम डीएमएफ की बैठक में स्वीकृत हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या वो काम निरस्त कर दिया गया है या उसको आप प्रारंभ करवाएंगे? आप भी तो सदस्य होंगे जिला। देखिए, जो मेरे पास सूची है 130 कार्यों की है और उसके बारे में यदि पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अनीता योगेन शर्मा, अध्यक्ष महोदय, और प्रश्न जो है वो आपने जो पूछा है वो 2017 से 2019 तक का, ये आप जो कह रहे हैं वो 2015-16 जिस समय शुरू हुआ होगा, लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है माननीय सदस्य ने वो 2017 से 2019 तक के है और इसलिए केवल मेरे पास इतनी जानकारी है। आप कोई अतिरिक्त और जानकारी आप माननीय अध्यक्ष महोदय, काम शुरू नहीं हुआ है माननीय, 16-17 की हम पूछ रहे हैं, 15 का जो स्वीकृत है वो शुरू नहीं हो पाया है। चलिए, ये तो और चिंता की बात है, चिंता बिल्कुल करना चाहिए जो आपके अगर आप आपके सामने हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो 15 साल के बाद डीएमएफ फंड का सही सदुपयोग हो रहा है। दुर्ग जिला हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। फंड चालू कब से हुआ? 15 साल बाद सदुपयोग की बात, मैंने चालू कब से हुआ? मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य हो गए आपने नहीं नहीं मैं धन्यवाद देने के लिए जा रहा हूं। अनीता योगेन शर्मा, अनीता योगेन शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसी फंड से माननीय अनीता योगेन शर्मा 5 करोड़ रुपए की उसको जल्दी जारी करवा देंगे आपके माध्यम से हुई है। चलिए, महिला का प्रश्न कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अनीता योगेन शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है
प्रदेश स्तरीय प्रश्न नहीं है, चांपा जांजगीर का है, इसलिए वहीं के लोग इंसान तो छोड़िए। इतिहास में दूसरे कलेक्टर के नाम पर चिट्ठी लिखी है कि जांच की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, क्या उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? करोड़ों का भ्रष्टाचार, अरबों का भ्रष्टाचार हुआ। माननीय वन मंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूँ, पहले जो कई फैक्ट्री आते सपना देखा थे गांव के आदमी मिले जोर के पावर प्लांट थे। मैं निवेदन करना चाहता दोबारा ऐसे नहीं करते, मुख्यमंत्री कर ले, मैं धन्यवाद देता। और जो प्रभावी एरिया है वो गरीब किसान मजदूर लाभ देते कर ले, मुख्यमंत्री मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है जो अपूर्ण है, क्योंकि इंसान तो छोड़िए, सिलतरा क्षेत्र में मछलियों के पेट से भी कालिक निकलती हैं। इस प्रकार अपूर्ण जानकारी देने वाले अधिकारी पर मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए महोदय, वन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि रायपुर जिले के धरसीवा ब्लॉक अंतर्गत सिंतला औद्योगिक क्षेत्र में मध्यम विरहित उद्योग से होने वाले प्रदूषण के संबंध में 2017 से 2019 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? जी, 4 शिकायतें प्राप्त हुई है जिसका उल्लेख इसमें किया गया है। एक शिकायतकर्ता है सुरेश दीवान, दूसरे योगेश शर्मा, तीसरे में रोशन देवांगन और श्री राम निषाद। शिकायत के आधार पर क्या क्या कार्रवाई गई ये पूरा उत्तर के साथ आपको उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अलावा यदि प्रदूषण के संबंध में आपको किसी मामले में और किसी की कोई शिकायत हो तो आप यदि बता देंगे तो उसकी हम जांच करा देंगे। वो जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी, माननीय पीएचई मंत्री जी को ध्यान में अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण आसपास के गांवों की पानी प्रदूषित हो रहा है, और सिलतरा में एक फिल्टर प्लांट 10 वर्षों से बनकर बंद पड़ा है, जिसको माननीय मंत्री जी महोदय जी चालू कराएंगे, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिल्टर प्लांट चालू हो पाएगा नहीं हो पाएगा यहाँ ये कहना अभी कठिन है, लेकिन जो चिंता आपको है, आप जिस बारे में भी संज्ञान में जो बात आपने लाए, मैं पूरे की जांच करा दूंगा, जो बेहतर होगा करा दूंगा। रश्मि आशीष सिंह, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से संबंधित जो प्रश्न लगाया था उसका उत्तर मुझे मिल गया है। मेरा आग्रह माननीय मंत्री जी से, बल्कि कहा जाए तो राजस्व मंत्री जी से, कि वहां नलकूप जो अवैध उत्खनन था उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसमें कार्यवाही के प्रकरण केवल 9 दिखाए गए हैं और उसमें भी जो पेनल्टी की गई है उसकी राशि में भी भिन्नता है। मेरा आग्रह माननीय पीएचई मंत्री जी से ये है कि जो पेयजल परिरक्षण अधिनियम है उसके तहत, चूंकि तखतपुर विधानसभा में पानी की बहुत किल्लत है, तो वहां पर जो नरवा योजना है उसके लिए अधिक से अधिक कार्य किया जाए, जिससे वहां भूमिगत जल स्रोत बढ़े। और उत्तर जो मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। आपका प्रश्न कुछ नहीं है डॉक्टर विनय जायसवाल? पेनल्टी कितने लोग को की गई है? तो उसमें उत्तर दिया गया है कि 9 लोगों को पेनल्टी की गई है। केशव प्रसाद चंद्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 194 खदान और 128 क्रेशर जिला जांजगीर चांपा में संचालित हो रही करके जानकारी दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतने खदान और क्रेशर है तो निश्चित रूप से उसमें ट्रांसपोर्टिंग में गाड़ी का उपयोग होता होगा, और उसके कारण जो है तमाम प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क जीर्ण शीर्ण हो गया है। जो सड़क गांव के लोगों के लिए बनाया गया है वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। क्या इनके संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुआ है और उस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? या ऐसे सड़क जो इस खनिज के आवागमन के कारण, ट्रांसपोर्टिंग के कारण टूट रहा है, उसकी मरम्मत करवाएंगे क्या या नया बनवाएंगे क्या? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, खदान का प्रश्न है, सड़क पे पहुंच गए।
खदान का सामान जो है ट्रांसपोर्ट होकर जाता है, इसलिए सड़क में चलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका पत्र प्राप्त भी हुआ है और माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि पीएमजीएसवाई में जो राशि सड़कें बनती है उसमें जितने भी भारी वाहन गुजरने के कारण से बहुत जल्दी वो सड़क टूट जाती है और आप यहाँ के अधिकांश सड़कें हैं वो पीएमजीएसवाई के ही हैं और अभी संधारण की उसमें कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं की है। अभी हम लोगों ने जब नीति आयोग की बैठक हुई तब भी उसमें इस बात को प्रमुखता से हम लोगों ने जितने मुख्यमंत्री हैं इस बात को उठाए हैं कि पीएमजीएसवाई में संधारण की भी राशि की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हम सब की चिंता है, पूरे प्रदेश की चिंता है कि उसमें संधारण की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण से एक बार सड़क बन जाती है, साल दो साल में यदि वो खराब हुआ तो उसके संधारण की कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ और केंद्र सरकार को हमने पत्र भी लिखा है और मैं समझता हूँ कि उसमें जल्दी कोई समाधान निकालेंगे। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सड़क पे एक निश्चित क्षमता तक वाहन जा सकता है, तो जब तक वो सड़क नहीं बनता है ये सुनिश्चित करेंगे क्या कि उसमें भारी वाहन जो है न चले? देखिए ये दोनों चीजें हैं, सड़क की गुणवत्ता किस प्रकार से होगी, उसके स्पेसिफिकेशन कितना होगा वो भारत सरकार तय करते हैं, वाहनों के जो लोड मतलब भार क्षमता है उसका भी भारत सरकार ही तय करता है। तो इस मामले में आपकी चिंता से हम भारत सरकार से अवगत जरूर करा। रजनीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये खदान खास करके पत्थर के खदान से दमा और सिल्कोसिस जैसे बीमारी होता है, नीतिगत मामला भी है और खदान वाले तो जो है कमा के चले जाते हैं लेकिन उसका जो है दुष्परिणाम वहां रहने वाले लोगों को मिलता है, वहां काम करने वाले मजदूरों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके कारण वहां के लोग दमा और सिल्कोसिस जैसे बीमारी से प्रभावित ना हो, इस पर सरकार क्या कोई व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, क्योंकि जांजगीर चांपा जिला से ही सबसे ज्यादा सिल्कोसिस का मामला आया है और ये लाइलाज बीमारी है। रजनीश कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में यही मैंने कहा कि हम स्वास्थ्य के दिशा में खर्च करते हैं लेकिन बिल्डिंग बनाने का काम, और दूसरा मैंने योगी जी के जो प्रश्न था उसमें मैंने कहा कि हम हितग्राहियों को चिन्हित करेंगे, तो जो प्रत्यक्ष प्रभावित लोग हैं उसमें हम ज्यादा राशि खर्च करेंगे। इसका अर्थ यही है कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पेयजल है, रोजगार है, इस दिशा में हम खर्च करेंगे। आपकी चिंता से मैं सहमत हूं और उसमें उसके इलाज के लिए पूरे राशि, और आप चूंकि उस वहां डीएमए के जो सदस्य हैं तो उस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि उस दिशा में आप फंड वहां इलाज करवाएं और उनका इलाज भी करवाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, ये जो खदान है उसमें ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्ट करते हैं बारूद से, पत्थर तोड़ते हैं, तो ये खदान तो केवल 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर का है, जितना भी खदान है 1 हेक्टेयर का। बारूद तोड़ने के बाद पत्थर जो है किसान के खेत में जाता है जिसके कारण वो खेती नहीं कर पाते। आपके माइनिंग में प्रावधान भी है कि जो खेती नहीं कर पाते हैं उनको खदान का मालिक मुआवजा देगा, लेकिन हमारे जिले में वास्तव में ये मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कलेक्टर को निर्देश देंगे कि ऐसे प्रभावित किसानों को ये सुनिश्चित करें कि खदान के मालिक उनको फसल क्षति का जो है मुआवजा दें। मामले में शिकायत मिली है ब्लास्टिंग होने के बाद आसपास के खेतों में इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं, इसकी शिकायत मिली है और इसकी जांच अभी प्रक्रियाधीन है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी शिकायत मिली ज़्यादा दिन हुआ नहीं है और उसकी जांच कर लेते हैं और जो सही पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। चलिए राजेश कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उन्होंने जवाब में कहा है कि मेसर्स तिवर्ता कोल बेनिफिशिएशन लिमिटेड कोल वाशरी प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है कि स्वीकृत है?
माननीय अध्यक्ष महोदय, मिसर तिवारता कोल बेनिफिशियल लिमिटेड ग्राम लिम्हा तहसील जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को कोलवासरी वेट टाइप 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु दिनांक 18/5/2018 को स्थापना सम्मति जारी की गई है। इसकी जन सुनवाई कब हुई और पर्यावरण विभाग द्वारा इनको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थापना की सम्मति कंसेंट टू एस्टेब्लिश स्थापना की सम्मति जारी हुई है और सारी प्रक्रियाओं के बाद जारी की गई है। सत्यनारायण जी शर्मा, एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आप समझ नहीं रहे क्या पूछना चाहिए आपको, पूछिए। जो और 3 कोलवासरी संचालित हैं उसमें पर्यावरण शर्तों के तहत जो अनुमति प्रदान की गई है, क्या उसके प्रतिपालन के लिए आपके विभाग द्वारा किस स्तर के कर्मचारियों द्वारा इन शर्तों का पालन करने के लिए कब कब निरीक्षण किया गया है और उसमें सही पाया गया है या गलत पाया गया है, नियमों का उल्लंघन पाया गया है और इस पर क्या कार्रवाई हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यदि आप मूल प्रश्न से उद्धृत नहीं होता। सत्यनारायण जी शर्मा, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि भीषण गर्मी में यहाँ पेयजल की भयंकर समस्या है और उस वक्त कुल नलकूप खनन रायपुर जिले का ही लूँ तो 43 हुआ है, 43 केवल 43, और उसमें से माननीय अध्यक्ष जी 31 सफल हैं और 12 असफल हैं। तो ये असफल होने के कारण क्या है, क्यों असफल हुए 12 भी? इस वक्त 100% लक्ष्य को प्राप्त करना था लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और मात्र 118 का लक्ष्य रखा गया माननीय अध्यक्ष जी, जो बहुत ही कम रहा रायपुर जिले के लिए। उसमें मात्र 43 नलकूप खनन हुए हैं मात्र, और उसमें से 21 सफल है, 12 सफल, 31 सफल हैं, 12 असफल हैं। तो असफल होने के कारण क्या थे ये बता दें। बताइए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें दो प्रकार की बात है। पहला, जितना आप चाहेंगे उसके हिसाब से मांग के अनुरूप नल खनन हो जाएगा, लेकिन आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ था। दूसरी चीज, असफल का सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे आप ही ने आपका आवेदन आया कि आपको 4 बोर करवाने हैं इस गांव में, तो उसमें साथ में ये भी उल्लेख रहता है, मैं माननीय सभी सदस्य जो यहाँ पे बैठे हैं, ये आप सबके लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास सर्वे की टीम भी है, वो अगर जाके वहाँ पे पानी चेक करके अगर बोर करेगी तो असफल के मात्र वो बहुत कम होगी। लेकिन अधिकांश ये होता है कि मंत्री जी आप फलाने गांव में ना गाड़ी भेजिए और इस जगह पे आप बोर करवाइए, तो कई बार कारण वो होता है असफल होने का। और सबसे बड़ी बात, अभी इस साल पानी की मात्र ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत डाउन हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा प्रश्न है। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास डिपार्टमेंटल जो रिंग मशीन है बहुत पुरानी हो गई माननीय मंत्री जी, और बहुत ज़्यादातर खराब है, ज़्यादा गहराई तक खोल ही नहीं पा रही बोरिंग, और इसके कारण असफल हो रहे हैं बोर। तो आप क्या आधुनिक तकनीकी मशीन जो हैं उनको आप बाजार से हायर करके करवाएंगे क्या, ताकि बोर सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा बोर किए जा सकते हैं, ज़्यादा गहराई तक बोर हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे क्या? ये कहना गलत है कि बोर हमारी जो मशीन है पुरानी हो चुकी है, अच्छी कंडीशन में है, लेकिन आपकी जो चिंता है निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की, यहाँ पे बैठे सभी सदन के सदस्यों की चिंता है, क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो गया है तो ज़्यादा गहराई तक हमें बोर करने की ना कभी आवश्यकता पड़ती है, तो निश्चित तौर पर आगे चल के प्राइवेट सेक्टर से भी बोर कराया जाएगा। प्रकाश नायक अध्यक्ष जी, रायगढ़ जिले में 180 लक्ष्य था और मात्र 24 हुआ है। उसका कारण यह था कि रायगढ़ जिले में एक ही मशीन है जो गहराई तक खोद सकती है और एक मशीन एक दिन में प्रश्न क्या है, एक पंप होती है, प्रश्न करिए। तो प्राइवेट मशीन से खुदवाएंगे क्या? अभी तो जवाब दिए अध्यक्ष जी, मैं अभी तो जवाब दिया मैं 17 शर्मा जी को, अभी मैंने जवाब दिया। एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, नहीं हो सकते दो प्रश्न। एक प्रश्न और है, रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक और बरंगल ब्लॉक
बहुत अध्यक्ष नीचे चला गया है अध्यक्ष जी, अलग मापदंड आप पूछिए, वो मिल के बात कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय जी से मिल लीजिए कक्ष में जाके। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विधायक लोग बोलते हैं कि यहाँ पर खोदना है। हाँ बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि उस मोहल्ले में पानी की कमी रहती है, वहाँ के गांव के हिसाब से बैठक में जब पूछते हैं तो लोग बताते हैं, भाई मान लो आदिवासी पारा में नहीं है या सतनामी पारा में नहीं है, तो हम लोगों को बताना पड़ता है। आप तो हमको ये बताइए कि आपके विभाग में सबसे ज़्यादा डीप बोरवेल करने के लिए कितनी क्षमता है आपके विभाग की, जो सबसे ज़्यादा हो, और अगर नहीं है तो आपको सबको मालूम है, और अभी आने वाले समय में वाटर लेवल और भी नीचे गिरेगा, पानी तो गिर नहीं रहा है, अकाल की स्थिति है, तो हाहाकार तो उसी में मच रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो महीने से परेशान थे तो सारे जिले में। प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा गहराई तक खोदने की क्षमता कितनी है आपके मशीन की, और क्या हर जिले में आपका मशीन उपलब्ध है, और नहीं है तो क्या आप प्राइवेट लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके और नल खुदाई के काम को गति पकड़ाएंगे? निश्चित तौर पे हमारी जो मशीन है उसकी खुदाई की क्षमता है 650 फीट अधिकतम, और जैसे कि आपने कहा तो ये वास्तु स्थिति है कि आज के तारीख में वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का अधिक दोहन होने के कारण या फिर अधिक यूज़ होने के कारण निरंतर वाटर लेवल डाउन जा रहा है, बारिश भी कम हो रही है। और आपके तीसरे प्रश्न का जवाब तो मैंने शुरू में दे दिया, आवश्यकता के हिसाब से आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर से भी कराया जाएगा। रतन शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि 57 प्रकरणों में जांच की गई और 6 प्रकरण में फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि ये उच्च स्तरीय छानबीन समिति के सदस्य कौन कौन है, एक, और इसी के साथ दूसरा, ये 57 जो प्रकरण है इसके अंतिम आदेश जो है समिति के द्वारा जारी किए गए या किसी विभाग के उस विभाग के अधिकारी के द्वारा जारी किए गए, ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो छानबीन समिति है वो उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश पे बनाया गया है, और उसके जो निर्देश है उसके हिसाब से वो सदस्य हैं। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या था आपका? मैंने पूछा सदस्य कौन कौन है, आपने उच्चतम न्यायालय के निर्देश बनाए बताया, और दूसरा प्रश्न ये था कि ये जो 57 आदेश जारी हुए, जो भी 6 को फर्जी पाया गया, 51 को आपने मुक्त किया, तो ये जो आदेश निकले ये समिति के माध्यम से आदेश निकले हैं या किसी विभाग के अधिकारी ने आदेश जारी किए? निश्चित रूप से छानबीन समिति के द्वारा ही इसकी जांच की गई है और उसी के द्वारा आदेश जारी किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में होता यह है कि ज्यादातर प्रकरण में, इसमें जैसे 6 प्रकरण हैं, 6 में 4-5 लोग कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए, और स्टे मिलने का जो मूल कारण होता है वो ये होता है कि आदेश वास्तव में समिति के सभी सदस्यों के साइन से निकलना चाहिए ये करके, और वो आदेश उससे निकल करके जो उस समिति का एक अधिकारी होता है उसके साइन से आदेश निकल जाते हैं, और वो स्टे का एक बड़ा आधार बनता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, इस समिति के सदस्य कौन कौन है, और इस 57 प्रकरण में पूरी समिति का एक निर्णय है कि खाली एक अधिकारी का निर्णय है, ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अधिकांश तो इन्हीं के कार्यकाल का है अध्यक्ष महोदय। नहीं, सवाल किसके कार्यकाल का ये नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने प्रश्न किया है। है? जो सच्चाई है उसका ही इनकार कर सकते हैं, और आपने जो कार्रवाई की उसकी मैंने जानकारी दे दी। नहीं, मैंने आपसे पूरक प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने समिति के सदस्यों का नाम पूछा, बहुत स्पष्ट कहा है कि उसमें आदेश समिति का है कि जो एक अधिकारी का है। जो पहला इन्होंने प्रश्न पूछा कि कौन कौन सदस्य हैं, सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, संचालक, और संचालक शिक्षा या आदिम जाति कल्याण विभाग के संचालक भी है, और शिक्षा विभाग के संचालक और विशेषज्ञ, तो इस प्रकार के उसके सदस्य होते हैं। संचालक भू अभिलेख, ये उनके सदस्य होते हैं, और जो आदेश है निश्चित रूप से जो
यदि आपके पास इस प्रकार कोई शिकायत है कि सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है उसके बाद जारी हो गया है तो जानकारी दे दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। उत्तरी जांगड़े। माननीय अध्यक्ष जी एक अंतिम प्रश्न। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी आपके कार्यकाल का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी समिति के जो सदस्य हैं सारे अधिकारी वर्ग के हैं, सरकार चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस के हो वही अधिकारी काम करते हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं ये जो 57 प्रकरण है उसमें 6 को आपने फर्जी पाया, 5 लोग कोर्ट से स्टे लेके आ गया, और स्टे लाने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये समिति का आदेश ना होकर के एक अधिकारी के आदेश का स्टे मिला है। आप इसकी जांच कराएंगे क्या पूरे 57 प्रकरण की? ये समिति का निर्णय है कि एक अधिकारी का निर्णय, इसकी जांच कराएंगे क्या? भाई आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई किसी मुद्दे में कोई शिकायत हो तो दे दें, उसकी जांच करा लेंगे। सबकी जांच कराने का उसका क्या है? आपके 57 प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री मतलब आपकी सरकार ने जो कमिटी गठन किया था उसमें विश्वास नहीं है आपको? आपके पास कोई पर्टिकुलर कोई शिकायत है तो दे दीजिए, मैं करवा देता हूँ जांच। मैंने पर्टिकुलर आपने जो जवाब दिया उसी में बात कर रहा हूँ, खाली 57 प्रकरण की जांच करके बात कर रहा हूँ। आप जांच कराने, फिर से जांच कराने के लिए? अच्छा चलिए, ये 5 प्रकरण जिनको हाई कोर्ट से स्टे मिला है इनकी आप जांच कराएंगे क्या? जब हाई कोर्ट में स्टे हो गया है तो उसकी कैसे जांच कराएंगे? आपको खाली ये न्यायालय में ज्यादा दिन है उसकी हम जांच कैसे कराएंगे? मुख्यमंत्री जी ये जो स्टे मिला है, ये स्टे मिलने का एकमात्र कारण ये है कि ये समिति का निर्णय ना हो करके जो आदेश निकला एक अधिकारी के द्वारा आदेश निकाल दिया गया, जो समिति की फॉर्मेलिटी पूरी करनी चाहिए थी वो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में समिति ने निर्णय किया कि नहीं किया इसकी जांच तो आप अपने स्तर पर करा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके सरकार में पूरी गड़बड़ियां हुई है और समिति माननीय सरकार इनकी सरकार है, उनकी सरकार थी, गड़बड़ी की बात नहीं है। जो अधिकारी हमारी सरकार में थे वही अधिकारी आज आपकी सरकार में भी है। भाई अधिकारियों से आपने किस प्रकार से काम लिया है अब उसी का आप उजागर कर रहे हैं। यदि इस प्रकार से गलत किया है तो निश्चित रूप से आप जानकारी दे दें, मैं उसके उसके खिलाफ जांच करवा लूंगा। मैंने तो माननीय अध्यक्ष जी एक अंतिम प्रश्न, मैंने आपकी सरकार ने आपकी सुनी नहीं, ये आप निश्चित होकर बोलिए, आप कार्रवाई होगा भरोसा रखिए। ये 5 क्योंकि आपने कोई सुना नहीं, आपकी सरकार आपको सुनते नहीं थी। ये समिति का निर्णय ना होकर के एक अधिकारी के द्वारा आदेश जारी करा दिया। 3 बार इस 5 प्रकरण को जो स्टे मिला उसकी जांच करा ले, बस मैं ये निवेदन तो अलग से दे दीजिए ना, जांच करा ले। तो मैं तो वही कह रहा हूँ, आप मुझे जानकारी देते मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। पूरे मैंने प्रश्न लगाया था, आपके पास जो प्रमाण है तो निश्चित रूप से दे दीजिए, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, तो आपके आपके पास है, आपको खाली मैं निकाल देता हूं, दे दीजिए ना मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि मेरी साड़नगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत सन 2018-19 में भीम सिंह डीह से भकुरा तक 3 किलोमीटर WBM सड़क निर्माण कार्य की कितनी राशि स्वीकृति हुई थी? वन निर्माण कार्य की वर्तमान में स्थिति क्या है? अगर निर्माण कार्य अधूरा है तो कब तक पूरा कर ली जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर भी साफ लिखा हुआ है कि सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भीमसेन डी से भकुरा तक सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत राशि 18-19 में भीमसेन डी से भकुरा तक 3 किलोमीटर WBM सड़क निर्माण कार्य राशि 45,30,000 की स्वीकृति हुई थी। उक्त निर्माण कार्य मार्च 2019 में पूर्ण कर लिया गया है, कार्य अधूरा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी 6 महीना नहीं हुआ है बना, वो पूरा जर्जर है, टूट रहा है, फट रहा है, उनका तत्काल जांच कराई जाएगी। ब्रिजमोहन अग्रवाल, 6 महीना नहीं हुआ, धन्यवाद। मोहन दलेश्वर साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न राजनांदगांव के बैगा बच्चों के लिए जूता चप्पल वितरण एवं कोचिंग व्यवस्था हेतु राशि स्वीकृति और उनके संबंध में निविदा और कार्यदेश के बारे में मैंने लगाया था, ये दोनों का और खा दोनों गलत है अध्यक्ष महोदय जी। क्या मैं मंत्री से
कहूंगा कि इसको स्वीकार करेंगे क्या? क्या गलत है आप प्रश्न करिए ना, क्या गलत है तो बताइए। मतलब वेबसाइट, मतलब माइनिंग के वेबसाइट में देख लीजिएगा, इनका जो जो फिगर दिया है कोचिंग के लिए करीब करीब 2,08,55,00,000 रुपये का इनले कोचिंग के लिए कोचिंग व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के कोचिंग के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है। हाँ। और 95,00,000 रुपया इनने एडवांस में भी दे दिया गया है। और यहाँ पे उत्तर देता है कि यहाँ पे सिर्फ 65,00,000 रुपया ही मतलब उनके लिए स्वीकृति हुई है। ये टोटल गलत है अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा इनका जांच करा लीजिएगा। और अगर नहीं देखना होगा तो वेबसाइट में क्लियर लिखा हुआ है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। प्रश्न नहीं है मतलब, मैं माननीय मंत्री जी से चाह रहा हूँ कि उनकी जांच करा के उनको कार्यवाही कराए। जांच कराएंगे क्या? जांच करा लीजिएगा, बस बात खत्म। आप लिखित दे दीजिए, मैं परीक्षण करा लेता हूँ। परीक्षण के अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्पष्ट, अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी, स्पष्ट है तो, मतलब एकदम वेबसाइट में डाला हुआ है जिसको आपने, आपको गलत जवाब दे के क्या डाला है वही मैं कह रहा हूँ। आप लिखित देंगे उसको मैं करूंगा, वेबसाइट के हिसाब से नहीं करूंगा। थैंक यू, थैंक। वेबसाइट की कॉपी निकाल के उसको फोटो कॉपी करके दे दीजिए। शैलेश पांडे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बिलासपुर में 362 उद्योग जो संचालित हैं, उन उद्योगों के पर्यावरण विभाग द्वारा जो निरीक्षण किए गए हैं उसमें से मात्र जो जानकारी आई है उसमें केवल 7 उद्योग ऐसे हैं इन्होंने पाया है जिसमें उन्होंने केवल नोटिस जारी किया है और कार्यवाही एक पर भी नहीं हुई है, एक भी। जबकि वहां पर कोल के बहुत सारे प्लॉट्स हैं, कोल की वॉशरी सारी बिलासपुर में है, उसके बाद डिस्टलरी जो दारू बनाने का काम करते हैं वो वहां पर है, और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिसमें सरकार को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, जनता परेशान है पर्यावरण को लेकर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या आपने जो जानकारी दी है उसमें आपके विभाग के अधिकारी सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या आप कुछ ऐसे उद्योग जो कि ज्यादा, जो कि रेड पार्क वाले उद्योग होते हैं, उन उद्योगों पर आप विशेष रूप से जांच कोई करना पसंद करेंगे क्या? कम से कम पता होना चाहिए, 1,000, 40,000 रुपए, 50,000। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 7 लोगों का यहाँ उल्लेख किया गया है उसमें निरीक्षण के दौरान एक है मेसर्स अनिल बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, इसमें उद्योग द्वारा उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिए जाने की जानकारी दी गई है। दूसरा मेसर्स मंगल स्पंज एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड बिल्हा, तहसील बिल्हा, इसमें 22/5/2017 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। तीसरा मेसर्स माहेश्वरी कोल बेनिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड परसदा, उद्योग का निरीक्षण दिनांक 12/9/2018 को किया गया, उद्योग को जारी नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना पाया गया। चौथा मेसर सत्या पावर इस्पात लिमिटेड गतौरी, इसमें दिनांक 11/4/2019 को उद्योग के लिए निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। पांचवा मेसर्स फिर मिनरल कोल्ड बेनिफिकेशन मंडल द्वारा दिनांक 25/9/2018 को उद्योग का पुनर्निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान नोटिस में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना पाया गया। छठवां ओमेक्स मिनरल प्राइवेट लिमिटेड करगी रोड कोटा, इसको 25,000 मैट्रिक टन एट ए टाइम हेतु नवीन सशर्त सम्मति अभी जारी की गई है। मेसर्स फिल कोल बेनिफिकेशन लोखंडी तहसील तखतपुर, 9/5/2019 को उद्योग के लिए कहे गए निरीक्षण के दौरान पाए गए निर्देशों का पालन किया जाना पाया गया। मेसर्स हिंद एनर्जी एंड कोल बेनिफिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिनांक 3/4/2019 को उद्योग के लिए किए गए निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पाई गई। मंत्री जी, ये जवाब, जानकारी तो अब जवाब में आ गई थी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि सीधा सीधा प्रश्न क्या है, करिए। और सीधा सीधा प्रश्न ये है कि जो बड़े पॉल्यूशन करने वाले उद्योग हैं जैसे वेलकम डिस्टलरी, भाटिया जी की डिस्टलरी, मेसर्स फिल मिनरल्स कोज, हिंद एनर्जी, मुंद्रा वाशरी, क्या आप इन पर कोई समिति बनाकर आप कार्रवाई करेंगे या जांच करेंगे क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपकी चिंता को समझ रहा हूँ।
और जिन औद्योगिक इकाइयों का आपने उल्लेख किया है, पर्यावरण विभाग के जो सक्षम अधिकारी हैं निरीक्षण करने के लिए, आपकी उपस्थिति में वो जांच करने जाएंगे, इस बात की घोषणा करता हूं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अध्यक्ष जी, एक बात मैं आपके अनुमति से कहना प्रश्न उस लड़की का है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सब ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आपके विभाग ने जांच किया। जब सब ठीक है तो एक मंत्री पूरा काफिला लेके छापा मारने क्यों गया सिरगिट्टी में? और छापा मारने गया तो गया सीढ़ी लगा के अहाता के ऊपर चढ़ रहा था उसको, ये सीढ़ी लगा के अहाता में चढ़ोगे, भय व्याप्त कराते हो आप उद्योगपतियों के ऊपर। जब सब ठीक है तो फिर ये छापा मारने की नौटंकी क्यों करते हो आप? सीढ़ी लगा के नहीं, दरवाजा बंद है तो कलेक्टर को भेजते, सीढ़ी लगा के बंदर सरीके चढ़ रहे मंत्री, और बताया मंत्री होकर बंदर बंदर रानी चंद्राका जी, बंदर तो मत बनो मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार माननीय अध्यक्ष मंत्री को इस तरीके से बंदर का मुख्यमंत्री जी उपयोग किया जाएगा तो ये निंदनीय है, बंदर शब्द को विलोपित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठ जाइए, आप सीढ़ी में, मैं खड़ा हूँ, आप लोग बैठ जाइए, बताओ ना आप, वीडियो क्लिपिंग है हमारे पास। धर्मजीत जी बंदर प्लीज बैठे, नहीं चढ़ना चाहिए, आप मंत्री हो प्लीज बैठे, छत्तीसगढ़ के मंत्री हो, ये सीढ़ी उड़ी में बंदर अंदर लोग चढ़ते, ये बहुत गलत है। धर्मजीत जी धर्मजीत जी आप कानूनी कार्रवाई करिए, धर्मजीत जी लेकिन ये क्या है, धर्मजीत जी काफिला लेके आप सीनियर है, आप बैठे, आप बैठे, माननीय मंत्री जी की सहजता सरलता को हाथ से बना लिया जाए, ये मेरा निवेदन है। चलिए शकुंतला साहू पहली बार प्रश्न कर रही है, नई सदस्य है, उसको करने दीजिए, आप अपना काम जीरो होता है जी। माननीय शरद पांडे जी बोला था आप कोरोना की वजह से रेड हुई ना वॉशरूम में, आप अपनी बात जीरो कर सकते हैं, अभी शकुंतला साहू प्रश्न करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे को इस बुक में जानकारी दी है उसका उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मोहित राम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे परम सम्मानित मुख्यमंत्री से मैं एक प्रश्न चाहा हूँ। कोरबा जिला में पोड़ीपुड़ा ब्लॉक में जो क्रेशर मशीन जो गिट्टी का खनन के लिए लगाया गया है उसका उत्तर मुझे मिल चुका है, परंतु मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि उसमें 4 यूनिट क्रेशर मशीन को बताया जा रहा है, उसमें अधिकारी के द्वारा उसको छिपाया गया है। और दूसरी बात यह है कि 17-18 वर्ष हमारे में जो रियायती का जो राशि बताया जा रहा है ये बहुत कम है, क्योंकि करोड़ों रुपये का गिट्टी का भंडारण किया गया है जो सरकार को हानि हो रहा है। मेरा प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री जी से कि उसको बढ़ाया जाए जिसमें हमारे बाकी को समाज के फायदा हो। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, प्रश्न पूछा है, कुछ जो क्रेशर यूनिट है वो खदान में है अध्यक्ष महोदय, तो उसकी रॉयल्टी मिलती है, लेकिन कुछ जो क्रेशर यूनिट है वो केवल भंडारण के लिए ही अनुमति लेते हैं, तो उसकी निश्चित राशि अध्यक्ष महोदय उसके हिसाब से लिया गया, उसकी जानकारी भी दे दी गई है। विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में क्रेशर यूनिट संचालन 2017 में 1,33,600 रुपया तथा 18 में 57,080 रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो भंडारण जो जमीन में जो भंडारण करते हैं उसके लिए जो उसके जो नियम के अनुसार उन्हें जो अनुमति दी जाती है उसकी राशि है। तो आप संतुष्ट हैं? सौरभ सिंह सत्रा, प्रेस कमान सत्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि 3 स्थानों पर कार क्रेडा एजेंसी द्वारा पंप लगाया गया है। ये 2 जो स्थान है जहां पर बताया जा रहा है 10/1/2019 को कार्य पूर्ण करने की तारीख, मैं बताना चाहूंगा कि 2 स्थानों पर प्रशिष्ट 2 में जो दिया 9 में जो दिया गया है 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, और प्रशिष्ट जो 1 नंबर है ग्राम खिसोरा उसमें गुणवत्ताविहीन पाइप लगाया गया है और ट्रायल टेस्टिंग में पूरा पाइप टूट गया है करके। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कराऊंगा कि ये पूरे मामले की कृपा पूर्वक जांच करा लें करके करा लेंगे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तीनों अभी पूर्ण नहीं हुए हैं और टेस्टिंग चल रहा है, तो टेस्टिंग के दौरान यदि कुछ यदि कोई परेशानी आती है तो उसे दूर किया जाता है, इसलिए टेस्टिंग किया जाता है, इसी कारण पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो अभी तो टेस्टिंग में ही है, जब टेस्ट हो जाएगा और प्रमाण पत्र देंगे उसके बाद आपको लगेगा गड़बड़ है तो निश्चित रूप से आपके क्रमांक 18 सौरभ सिंह, प्रश्न क्रमांक 18 आज 19 तारीख है, 19 नंबर तक पहुंच जाए सर। माननीय अध्यक्ष, विधानसभा क्षेत्र में माननीय खाद्य मंत्री जी का जवाब है कि यहां पर आपने जो जवाब दिया है कि विधानसभा क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों का अंबाटन 734 किलोलीटर मट्टी तेल दिया गया है और उसका जो उठा हुआ है वो 396 किलोलीटर का उठा हुआ है, तो ये उठाव का गैप क्यों हो रहा है माननीय खाद्य मंत्री जी? एक तरफ जो मात्रा आपने दिया गया है करके जो वो किया गया है और उठाव नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 60 में जवाब दीजिए प्रश्न क्रमांक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि इसमें उठाव में कमी क्यों आया, इसमें बताना चाहता हूं कि एक तो केंद्र सरकार की नीति के कारण इसमें उठाव में कमी आया है, दर में बेतहाशा वृद्धि और गैस कनेक्शन धारियों को अपात्र घोषित करने के कारण इसमें कमी आई है। प्रश्न क्रमांक 19 धर्मलाल जी को प्लीज। 19 तारीख एक तरफ आपके राज्यसभा सदस्य चिट्ठी लिखते हैं कि केंद्र शासन से बाटन नहीं आया है करके, इधर जब आप बाटन आ गया है आप आइए ना उद्घाटन तो करिए। देखिए आप जिस प्रकार से 2014 में 15.35 और अधिकतम मूल्य की दर जो आई है वो 16.18 का आया है, इसी प्रकार से 2015 में 15.52 की जगह में 16.5। माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, बाद में ले लेंगे। दर में वृद्धि आया है, प्रेस क्रमांक 19 दिल लगातार होने के कारण गरीब तबके के लोग माननीय उठाव में कमी आई है। पूरा बाटन है, जितना बाटन आ रहा है उससे वो तो उठाव नहीं हो पा रहा है करके वो प्रश्न आप करिए। मैं सिर्फ मंत्री विधानसभा का चलिए इनको करने दीजिए प्लीज। माननीय मंत्री जी, मंत्री जी आप बैठ जाए। प्रश्न क्रमांक 19 कौशिक जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब में स्वीकार किया है और सारी बातों को स्वीकार किया है, लेकिन जो परिशिष्ट दिया है उसमें नाम गायब है। इस समय ओवरलोडिंग के कारण में दुर्घटनाएं बढ़ रही है और उसके कारण में कार्रवाई जांच की गई है, उसमें मंत्री जी स्वीकार किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जब स्वीकार किया है तो इमामी और अल्ट्राटेक ये दोनों का नाम परिशिष्ट में नहीं है, तो क्या इनके खिलाफ जांच हुई है, कार्रवाई हुई है? आपने स्वीकार किया है लेकिन नाम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने प्रश्न में खा को जरा ध्यान से पढ़ें। इसमें आपने जो प्रश्न किया है, यदि हाँ तो किस कंपनी व व्यक्ति की कौन कौन सी वाहन कितने टन ओवर लोड में पकड़ी गई? कंपनी के नाम से कोई वाहन नहीं है, इसलिए जो ड्राइवर थे उनके नाम पे ये कार्रवाई की गई है। आप अपने प्रश्न को देख लीजिए एक बार। मंत्री जी, जिस कंपनी में वो कार्यरत है, जिनके साथ में अनुबंध है, यदि वो ड्राइवर के नाम भी है, ओनर का नाम भी है, और यदि अनुबंध है तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित है, इसलिए कंपनी के ऊपर भी वो मामला है। उसमें आपने 199 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, इसलिए मैंने कहा कि अनुबंध यदि है तो वो संस्था भी उसमें उसके अंतर्गत में है। अनुबंध है तो संस्था उसके अंतर्गत है, संस्था के विरुद्ध बकायदा FIR भी किया गया है और चलान की राशि भी नियमानुसार वसूल की गई है। प्रश्नकाल समाप्त। भूपेंद्र बघेल जी, इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4th Eye News, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।